सपा नहीं हाराई कभी भी जिंदगी में। हाँ ये नम्बर दो को काम न करे तो यूपी में भी सपा नहीं हाराई कतई। हाँ तो हटेगा वो। हाँ कोई ना हटाए भाई, किला किला तो खड़ो रहे। सपा किला कोई गिरा नहीं सका। नहीं गिराए फिर एकदम नहीं। आप नहीं देख लियो बताओ, एक परिवार से काट दिए हैं, उनके धर्मेंद्र यादव सगे बहनों ही हैं। अब यादव वोट तो कुछ तो कटेगा। नहीं कटेगा। चुनाव होने करहल सीट अपने आप में चर्चा का विषय है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं तेज प्रताप यादव, तो फिर वही भारतीय जनता पार्टी ने परिवार में सेंध मारी कर अनुजेश प्रताप यादव को टिकट दे दिया। अब लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है जनता के बीच में। जानते हैं क्या है, किसकी तरफ जनता जा रही है और क्यों जा रही है। बहुत सारे लोग हैं, सबसे बात करते हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाम क्या है आपका? नाम लालू। चुनाव होना है 13 तारीख, वोटिंग है, कहाँ बटन लग रही है अब? साइकिल भी लगेगी जनता। कहाँ है साइकिल पे, कहाँ है आप लोग समर्थन कर रहे हैं? ऐसा है, ये बम्मा करा दिया और विकास हुए, विकास किया बिना ने, और सब सब सुविधा दे रही। लेकिन बीजेपी कह रही कि विकास तो हम करें, सरकार अब कहाँ उनकी है। बीजेपी ने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं किया। हाँ। हमारे यहाँ लड़का बने जाते हैं, कोई तो लगाया नौकरी पे, तो कोई सुधाई कुछ नहीं कर रहे भी। लेकिन जो अब एक परिवार से काट दिए हैं, उनके धर्मेंद्र यादव सगे बहनों ही हैं। अब यादव वोट तो कुछ तो कटेगा। नहीं कटेगा। हाँ। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। यादव लोग सब मीटिंग करी है। मतलब अनुजेश यादव कोई वोट है ना करे? नहीं क्षेत्र में नहीं रहेगा। कह रहे हैं हम चुनाव जीतने के लिए पहले से मेहनत करें, अब की किला ढा देंगे सपा का। नहीं है भाई साहब, नहीं है। किला तो हटेगा वो। हाँ। कोई ना हटाए भाई, किला किला तो खड़ो रहे। सपा किला कोई गिरा नहीं सका। नहीं गिराए फिर एकदम। हाँ। नहीं आप नहीं देख लियो बताओ, परिवार में सेंधमारी किए, पहले जैसे 2002 में किए थे वैसे फिर वही फॉर्मूला अपनाया बीजेपी ने। अपना बात कर, मतलब नहीं बीजेपी ने करवा के दिया हमारे यहाँ। हाँ। मंत्री ने तो सैकड़ों पुल भजन पटवाए दे भाई, और सैकड़ों सड़कें बनवाए दे। बिल ने तो हमारी एक कानो बम्मा की पुलियो नहीं बनवाए भाई, जिस सरकार ने कहा कर दो। बहुत काम कर रहे हैं। हाँ लवेरे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे तो, हाँ बताइए। ये, ये, ये इसकी जराई नहीं हो रही बम्बा की। अच्छा। हाँ तो बटन खाली साइकिल और कहीं नहीं? कहीं नहीं, नहीं देवे नहीं, नहीं, नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी लोग वाले जो पूरी ताकत लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, लगाते रहे, बेईमानी कर ले तो जीत ही नहीं। डर है बेईमानी का? बिल्कुल बेईमानी न करे तो बिल्कुल हारे, बिना जीते निकल हरियाणा करी बेईमानी मशीन में डर है। बिल्कुल, मतलब करहल में भी डर है। बिल्कुल, किला कहीं गिर ना जाए। अरे बाकी किला न गिरे तो लंबी जीत हो गए, कम से कम 1-1.5 लाख तो जीत हो गए। तेज प्रताप की बिल्कुल काहे थे ना आप लोग, मतलब तेज प्रताप गारंटी कर रहे तो। हाँ। गारंटी से भाई साहब बने रे, कम 1 लाख तो ऊपर ही हो गए, 2 लाख तो जाते हो ना, 1.5 पक्का। मतलब बीजेपी की जमानत जब? अरे बीजेपी का अरे करवा है, तेज प्रताप के फूफा है कुछ तो लाज फूफा और आ जाए तो नहीं हो रही जीत, जीत ये हो रही दत्ता, कुछ नहीं हो रहा। फूफा कोई महत्व ही ना रही, कुछ नहीं महत्व रहे हैं ना, मतलब नहीं। जब अगर मैं सपा ठाड़े हो जाऊं तो बेहू जीत, फूफा हुआ चाहे कोई हो, गारंटी करेल में कोई भी आए सपा से वो जीत जाएगा। अरे हाँ सपा जीतेगा, और बीजेपी से कोई नहीं जीते। बीजेपी जीत जाए तो हमें तो खोदे गड़वाए थी। बात है लगड़िया ठारी करते लगड़िया। हाँ लगड़ी ठारी करते लगड़िया। रुक करते रुक जीत जाएगा। हाँ भाजपा नहीं जीते, काहे भाजपा से काहे ना जीते। जब मैं कुछ काम ही नहीं करवाते हो, कोई मतलब नहीं, कोई सुनाई नहीं भैया। बीजेपी सरकार में कुछ सुनवाई नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब हमारे यहाँ तो कोई बच्चा तक नहीं लगा है। हाँ। क्या साले बीजेपी सरकार को बार बार 3 बार बन चुकी है, और मेरे यहाँ कोई बच्चा नहीं लगा है भाई साहब, कोई बच्चा तक। बड़ी समस्या है। हाँ भारी दिक्कत भाई साहब, और बम्मा नाला कुछ जाते ही नहीं, हम तो मर गए साल में, सब धान डूबी गए। हाँ। और जो नाला हार गए बस सरकार होती गारंटी जट जा। तो अरे 20-20 मंत्री प्रचार कर रहे हैं आप लोग चले जी हो। नहीं मेरा ना कोई दद्दा सुनाई नहीं, जो सरकार है मान ले रही है। झूठी हाँ। बाबा कुछ कह रहे, क्या कह रहे बाबा? झूठी कहने में कभी नहीं लगता। हाँ। झूठी तो मेरे वादा करेगा, वादा कौन से पूरे हो जाए? इधर आई इधर, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। सरकार में कुछ काम नहीं हुआ? कोई सरकार में काम नहीं, किसान के लिए कोई फायदा नहीं। बड़ी बड़ी किसानों का है दुगनी कर दिया है, किसानों की खेती के लिए कोई भी सुविधा नहीं। हाँ। किसान के लिए कोई भी सुविधा किसी प्रकार की नहीं है। जो भी सुविधा है बड़ी बड़ी हस्तियों फैक्ट्रियों वालों के लिए,
तो बिना ही से वोट ले हो जाएगा, ये लोग वोट के बन रहे यहाँ, वोट तो भाई बटना ही मुझे, जो करते रहे वो सर, यहाँ जो किया है उन्होंने सुख किसी ने नहीं किया है। किसने किया है? मुलायम सिंह मंत्री जी ने। और कोई काम ही नहीं किया, और किसी कोई भी चला आया कोई किसी ने काम नहीं किया, सुरक्षित रहेगा मुलायम सिंह का। लेकिन बीजेपी कह रही है परिवार का सदस्य लाइए, मुलायम सिंह यादव दामाद आए, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, दामाद हो चाहे कोई हो, कैसे भी चले आए ना ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दामाद अपनी जगह पर लाए, जो भी यहाँ होगा जो काला बटन के ऊपर है, बटन दबेगा, कोई और कुछ नहीं करेगा, बटन सिर्फ साइकिल दबेगा, साइकिल साइकिल। काहे इतना समर्थन कर रहे हैं? अब समर्थन तो देख लो क्या होता है, ये डीएम को एएम को सब लोग लेके ये कितना घपला करे तब भी नहीं आ जिता पाएंगे। मतलब डर है डीएम एसपी घपला कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, इन्होंने किए आदेश डीएम के लिए फलाने गया था, क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ, और जो यहाँ तो लाखों से जीत होगी तो वहाँ करेगा लेगा डीएम, जहाँ 4,000 की वहाँ जीत तो वहाँ डीएम कर भी सकते हैं, और जहाँ लाखों की जीत होगी वहाँ कुछ नहीं करेगा। करेल में लाखों की जीत, लाखों अगले ज्यादा से ज्यादा लंबी जीत, हाँ अगले पिछले फिर ज्यादा जीत। कह रहे हैं 2002 में जैसे सपा हारी थी, फिर अब यहाँ पर सपा हारने की बारी है। सपा नहीं हारी कभी भी जिंदगी में, हाँ ये नंबर दो को काम न करें तो यूपी में भी सपा नहीं हारी कतई, हाँ ये नंबर दो के मोदी जी सब लोग काम करते, इसलिए मोदी जी नंबर दो का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब मशीनें मोदी जी ने चलवाई, ये नंबर दो की मशीनें चलवाई, यूपी में 73 सीटें कौन नहीं ले पाई सिवाय सपा के अलावा, मोदी जी कानो तो भी जंजला हुआ, पहली बार मुझे 73 सीटें ये ले गए, खुला घपला, हाँ खुला घपला। तो फिर अब मौका मिला है उपचुनाव में, तो कहा जा रहा 27 का जो 27 में विधानसभा चुनाव है ना उसका सेमीफाइनल है, फाइनल वो तो बटन के लिए फाइनल है, साइकिल का बटन दबेगा और किसी का बटन नहीं दबेगा, साइकिल का बटन दबेगा। एक युवा भी बैठे है, क्या नाम क्या है आपका? सौरभ। क्या माहौल है? वो साइकिल का बटन दबेगा। कहा है आप लोग साइकिल साइकिल कर रहे हैं? साइकिल का बटन देव है, अरे आप ही बता दो ना, साइकिल का देवेगा। अच्छा मतलब अनुजेश प्रताप जो परिवार के सदस्य आए बीजेपी से, इसका कोई फर्क नहीं होगा? अरे बिल ने करो बीजेपी ने करो का जी का कर दई तेजी इतनी बढ़ा दई और मैंने कर दी, अरे बहुत काम कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं कर दिया, 2 करोड़ रोजगार, अरे कुछ नहीं, 15 लाख, अरे कुछ नहीं कर दिया, किसानों की आय दुगनी, अरे वो सपा का लगे, अब जन सपा का सीधा कुछ हो, सब सपा लगी, सब सपा, सब सपा लगी, चाहे जो कुछ हो क्यों दादा, मेरा ना सगाई सगाई। अच्छा, किसानन की आय दुगनी भाई की नहीं? दुगनी है, किसान मर रहा हो तुम्हें दुगनी लग रही, हमारे सब नाल आ गए, मेरे को छाते ने पौने भरे, सब धन का चले गए, दादा धन सब चले गए। कह रहे कि हम मोदी जी कह रहे हैं हमारे राज्य में किसान एकदम खुशहाल है, फसल खुशहाल है, तो मेरा आए कह नहीं 2 महीने पहले आप आ जाए तो तुम्हें पौने यहाँ दिखा दे, तो तुम जब दिखाई दे तो तुम्हें कहा होगा, तो दादा यही ले सब बटन साइकिल पर लगी, साइकिल लगे मेरा साइकिल तो नाला जरवा है, साइकिल बम्मा साइकिल जरवा है, और बीजेपी वाले तो हमारे नाली न जरवा है, बीजेपी वाले कुछ काम ही नहीं करवा, कुछ नहीं करवा, तब भी तो हमारी सुनाई नहीं कर रहे, लेकिन एक नारा चल रहा है कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, नो कछु तो मैं कल ले बुना तो जीत हो गए 1-2 लाख थे, कुछ भी करे बीजेपी जीत सपा की होगी, जीत सपा की होगा ऐसा पक्का, इतना आदमी विश्वास कहीं टूट ना जाए, बेस्यार टूट जाए तो हमें खुद गड़वा दियो, बेस्यार टूट जाए लवेरे पूरा टूट रहा हूँ, बेस्यार जीते की साइकिल, साइकिल जीते यंत लंबी, काहे कर रहे में जीते कर रहे में एकदम, हाँ तुम्हारी वहां तुम्हारा भाज्य है ऐसे जिताए जीत हो साइकिल। उपचुनाव होना है, आए थे करहल की लोगों से जानते हैं उपचुनाव में माहौल क्या है, करहल की जनता किसके साथ है, क्योंकि सपा का गढ़ माना जाता है, 1993 से 2002 में एक बार समाजवादी पार्टी सिर्फ यहाँ से चुनाव हारी थी, उसके बाद लगातार यादव कैंडिडेट ज्यादातर यहाँ से जीते, लेकिन बीजेपी ने फिर वही फॉर्मूला अपनाया कि यादव कैंडिडेट के सामने यादव के सामने यादव देकर सेंधमारी कर शायद जीत सकते, लेकिन लोगों का मानना है यहाँ पर बीजेपी कोई भी हाल में जीत नहीं सकती, अगर ईवीएम में छेड़छाड़ ना हो, अगर ईवीएम छेड़छाड़ होती तो फिर कहाँ नहीं जा सकता है, अब देखना ये होगा कि यहाँ पर बाजी मारेगा कौन, क्या बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी का जो करहल किला माना जाता है किला सुरक्षित रहेगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना।